दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूँ स्पीकिंग टेक्निकली में। और हम आज अपने उस कैंडल सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज बात करेंगे एक बुलिश कैंडल की। डुअल पैटर्न कैंडल है जिसे हम बुल सैश कहते हैं। तो हम देखेंगे बुल सैश की फॉर्मेशन कैसे होती है, मार्केट का मैसेज क्या होता है, कहाँ पर बनती है और उसे हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, एनहेंसमेंट देखेंगे उसके साथ और देखेंगे कि बुल सैश जब चार्ट्स पे आए तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लगे हुए सब्सक्राइब बटन पे टीपे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट हमें दे और चैनल को शेयर करें, इसकी नॉलेज को शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने बुल सैश पैटर्न की तरफ और देखते हैं उसे हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो ये बुल सैश पैटर्न है। बुल सैश पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है, एक ब्लैक कैंडल रहती है और उसके ऊपर एक व्हाइट कैंडल बनता है। तो चलिए देखते हैं इसकी फॉर्मेशन गाइडलाइन और ये कैसे बनती है। तो सबसे पहला फॉर्मेशन गाइडलाइन में ये है कि ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, ट्रेंड शुड बी डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में ही बुल सैश पैटर्न जो बनेगा तो वो एक वैलिड पैटर्न माना जाएगा। ये पैटर्न अगर ट्रेंड के बीच में बनता है या अप ट्रेंड में बनता है तो इसकी वैलिडिटी नहीं मानी जाती। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि ट्रेंड शुड बी डाउन, ट्रेंड नीचे की तरफ होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि ब्लैक कैंडल इज फॉलोड बाय अ व्हाइट कैंडल दैट ओपन्स इन द बॉडी ऑफ द ब्लैक कैंडल एंड क्लोजेस अबव द क्लोज। इसका मतलब कि एक ब्लैक कैंडल होती है पहले दिन, तो पहला दिन पहला कैंडल होता है ब्लैक कैंडल, दूसरा कैंडल होता है व्हाइट कैंडल जो कि गैप अप खुलता है बॉडी के बीच में, ब्लैक कैंडल के बॉडी के बीच में, और फिर यहां से बाइंग शुरू होती है और ये बाई होते रहता है और ये जाके ब्लैक कैंडल के हाई के ऊपर बंद होता है। तो ब्लैक कैंडल के हाई के ऊपर बंद हुआ और खुलते समय गैप अप हुआ। तो ये दो चीज का ध्यान रखना यहाँ पर जरूरी है कि पहले गैप अप से खुलता है और ब्लैक कैंडल के हाई के ऊपर बंद होता है। इसका मतलब कि उस दिन बाइंग आई है, बायर्स हैं, गैप अप खुले और बॉडी के ऊपर बंद हुई, स्ट्रॉन्ग बाइंग का इंडिकेशन है। लोएस्ट लो ऑफ द बोथ कैंडल्स कैन बी यूज्ड एज सपोर्ट। इसका मतलब कि ये जो कैंडल है इस कैंडल के लोस को हम एज ए सपोर्ट यूज कर सकते हैं, तो ये सपोर्ट में भी काम आता है। तो ये जनरल फॉर्मेशन गाइडलाइन है, समझिए। इसके बाद इसके मार्केट में क्या बोलते हैं कि सेलर्स आर इन फुल फॉर्म एंड क्लोजेस द प्रीवियस डे इन नेगेटिव। मतलब कि सेलिंग जो है वो डोमिनेंट सेलिंग है, सेलिंग होते जा रही है और पहला दिन जो है मार्केट नेगेटिव क्लोज होता है क्योंकि सेलिंग कंटिन्यू परसिस्टेंट रहती है। तो ये ब्लैक कैंडल है, पहले दिन मार्केट जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग होता है। दूसरे दिन अचानक में गैप अप खुल जाने से क्या होते हैं, सेलर सरप्राइज हो जाते हैं और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती है। जो ये जो गैप अप खुलता है ये ऑलरेडी जो पोजिशनल सेलर्स है उनको सरप्राइज कर देता है कि अचानक में गैप अप खुल गया है। इसका मतलब जो बाइंग आई थी वो अभी कमजोर पड़ गई है, बायर्स अचानक में गायब हो गए हैं और द बाइंग कंटिन्यूज ड्यूरिंग द डे एंड द स्ट्रॉन्ग क्लोज ऑफ द व्हाइट कैंडल टेरिफाइज द बेयर्स एज द साइन ऑफ डेंजर एंड कॉज ऑप्टिमिज्म फॉर द बायर्स। इसका मतलब ये जो व्हाइट कैंडल जो बनती है वो पहले वाले ब्लैक कैंडल के ऊपर बंद होती है और गैप अप खुलती है। तो ये दोनों चीज एक अच्छा खासा बुलिश इंप्लीकेशन समय देता है कि भाई आने वाला जो ट्रेंड है ये कैंडल जो है बुलिश कैंडल हो गया है और ट्रेंड ऊपर की तरफ जाने को तैयार हो गया है क्योंकि आज इसका लो तो टूटा ही नहीं, ऊपर लो तो टूटा नहीं, उसके बावजूद गैप अप ओपनिंग हुई है और इसके बेरिश कैंडल के हाई के ऊपर बंद। तो ये एक तरह का कंसर्न दे देता है सेलर्स को कि हो सकता है कि अब जो ट्रेंड हम जो चला रहे थे नीचे की तरफ अब वो डेंजर में है और यहां पर बायर्स आ गए हैं और बायर्स आने के बाद जो खरीदने के लिए बैठे हैं उनमें एक ऑप्टिमिज्म आ जाती है। तो देखिए ये बुल सैश पैटर्न जो मैंने चार्ट पे मार्क किया है, ये देख तीनों बुल सैश पैटर्न है, मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड है, लास्ट जो कैंडल है वो भी ब्लैक बंद होता है लेकिन दूसरे दिन इसके क्लोज के ऊपर
प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर मार्केट खुलता है और प्रीवियस डे के हाई के ऊपर या ओपन के ऊपर या हाई के ऊपर मार्केट बंद हो जाता है। तो एक तरह से स्ट्रेंथ जो है वो दिखाती है। यहां पर भी देखिए, प्रीवियस डे ट्रेंड नीचे की तरफ है और ये ब्लैक कैंडल उस दिन इधर में क्लोज हुआ, दूसरे दिन इसके क्लोज के ऊपर मार्केट खुली यहां पर, ये व्हाइट कैंडल के ओपन पर, और पूरे दिन तक बाइंग चलती रही और ब्लैक कैंडल के ऊपर, हाईज के ऊपर जाके मार्केट बंद हुआ। इसका मतलब यही है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग जो होती है मार्केट में वो आई है और इसी तरह की बाइंग कंटिन्यूअस रहती है। और ये जो होता है एक तरह से सेलर्स को वार्निंग दे देता है सेलर्स को कि आपके लिए डेंजर साइन है, और इसके बाद सेलिंग जो होती है वो रुक जाती है और ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर जाता है। तो इसे हम बोलते हैं बुल सैश कैंडल, एक पावरफुल कैंडल पैटर्न है, बुल सैश बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए, यहीं पर भी सेकंड सेम एक बुल सैश पैटर्न। और एक चीज नोटिस करने की कि पहले हैमर बना, तो हैमर ने हमें तो पहले ही बता दिया था कि भाई ये जो ट्रेंड है वो कमजोर हो चुका है क्योंकि यहाँ पर हैमर आ गया है, और हैमर के बाद फॉलो अप होता है एक बुल सैश पैटर्न का, जो फर्दर ये इम्प्लाई कर देता है कि जो ट्रेंड है तो जो असली में चेंज होने वाला है, क्योंकि हैमर और बुल सैश ये दो दो स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न जो है ट्रेंड के नीचे में, ट्रेंड के एंड में बन रहे हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि ट्रेंड जो है स्ट्रेंथ में आने वाला है और ऊपर की तरफ बढ़ने वाला है। देखिए, ये भी एक बुल सैश पैटर्न, आप उसे भी बोल सकते हैं। द हायर द कैंडल ओपन द नेक्स्ट डे द मोर स्ट्रॉन्ग द सिग्नल इज। इसका मतलब ये पहले दिन अगर ये कैंडल ब्लैक कैंडल नीचे बंद होता है और दूसरे दिन ये कैंडल जितना ऊपर खुलता है उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, ये जितना गैप होता है दूसरे दिन में जितना ऊपर गैप होगा उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा बाई का। इसका मतलब कि ओवरनाइट हो सकता है ऐसा कोई इवेंट हुआ हो या कोई न्यूज आई हो स्टॉक के बारे में जो जिसने एंथुजियाटिकली जो उस दिन की प्राइजेस है उसको ऊपर ही की तरफ खोला, और हायर द क्लोज ऑन द व्हाइट कैंडल मोर द स्ट्रॉन्ग इज द सिग्नल। इसका मतलब जितनी ऊपर ये जाएगा उतना ऊपर स्ट्रेंथ आएगा, मतलब ये जितने ऊपर बंद होगा उतने ऊपर वो बताएगा कि उतना ही स्ट्रॉन्ग है स्ट्रेंथ। तो जितना ऊपर खुलता है और जितना ऊपर बंद होता है ये दोनों डिसाइड करता है कैंडल के स्ट्रेंथ का। लेकिन एक चीज का आप ध्यान दीजिए कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस टाइप की ट्रेडिंग में क्या आपको अच्छी मिलती है। देखिए, सिर्फ कैंडल पैटर्न को पहचानना इनफ नहीं होता है, हमें ट्रेड करने के लिए सबसे पहले ये देखना होता है कि भाई ये हमने बुलिश कैंडल तो देखा, हमें समझ में आ गया कि हाँ मार्केट बुलिश है, लेकिन क्या हम उस पैटर्न को आउटराइट ट्रेड कर सकते हैं, ये हमें देखना जरूरी होता है। और वो हम देखेंगे अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से। आप जरा खुद सोचिए कि आप इसका स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे, आप इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे इस कैंडल के नीचे, क्योंकि इस कैंडल के नीचे इसकी सपोर्ट लेवल रहती है, और आप बाई करेंगे इस कैंडल के ऊपर, क्योंकि जब तक मार्केट बंद नहीं होगी आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि ये जो जो कैंडल है ये बुल सैश बना है कि नहीं बना। या तो आप बंद होते होते लास्ट 10-15 मिनट में बाई करोगे या दूसरे दिन ओपन पे बाई करोगे। तो समझिए, ये यहां से यहां तक का मूव जो है ये एक बड़ा और एक फॉर्मिडेबल मूव है, अच्छा मूव है। तो आपका रिस्क होगा दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, तो ये काफी बड़ा रिस्क हो सकता है। ये पोजीशन साइजिंग जो है आपको अच्छी नहीं मिलेगी इससे, तो ये अच्छा ट्रेड नहीं बनेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम वेट कर सकते हैं रिट्रेसमेंट का, और रिट्रेसमेंट के बाद हम इसे खरीद सकते हैं और ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग करते समय बिना अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इसका ये बुल सैश है, यहां पर आप स्टॉप लॉस लगाओगे और यहां पर इसके हाई के ऊपर या मार्केट बंद होते होते यहां खरीदोगे।
बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, लेकिन क्या ये वर्थ है खरीदना? ये मूव अभी आई है कि नहीं आई है आपको पता ही नहीं है, ठीक है? आप खुद देखो, ये करीबन जो है 1300 के आसपास है और इसका जो लो है वो करीबन 1200 के आसपास है, तो 100 रुपए का स्टॉप लॉस, इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई भी वर्थ नहीं, इट्स नॉट वर्दी टू ट्रेड इट, ठीक है? तो हम रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं और फिर खरीद सकते हैं। या इसका एक और तरीका ये होता है कि अगर हमें 100 शेयर खरीदने हैं या दो लॉट खरीदनी है, तो एक लॉट तो हम यहां ब्रेकआउट पे खरीद लेंगे और दूसरी लॉट हम खरीद लेंगे रिट्रेसमेंट पे। तो ये तरीका भी होता है यहां पर इस तरह से बुल शेयर्स को ट्रेड करने का। सिमिलरली यहां पर भी देखिए, ये बुल शेयर्स है लेकिन इसका स्टॉप लॉस आप यहां पर लगाओगे, इतने नीचे एंट्री लोगे यहां पर, तो कोई अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बनता है। हाँ, अगर आप, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई ब्रेकआउट ट्रेड लेना है, तो एक लॉट अपने यहां ले लो ब्रेकआउट ट्रेड में और दूसरी लॉट अपने ले सकते हैं रिट्रेसमेंट के लिए, और रिट्रेसमेंट नहीं हुआ तो बहुत बढ़िया है, अपने ब्रेकआउट ट्रेड को राइड कर लेंगे। अब यूज करते हैं एनहेंसमेंट्स के साथ, मतलब कुछ वेस्टर्न इंडिकेटर्स हम इसके साथ मिला देते हैं और देखते हैं वो एनहेंसमेंट अगर इसके साथ जुड़ जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी और बढ़ जाती है। तो पहला एनहेंसमेंट ये है कि प्रीवियस ब्लैक कैंडल इज अकंपनीड बाय हाई वॉल्यूम्स लीड टू अ चांस ऑफ सेलिंग डे क्लाइमेक्स, जिसे हम बोलते हैं कि अगर पहले दिन का जो ब्लैक कैंडल है ये एक क्लाइमेक्स या हाई वॉल्यूम के साथ आ जाए, ठीक है, तो ये हो, हमें बोल सकते हैं कि ये ब्लो ऑफ डे है, इस दिन सारे लास्ट सेलर्स जो है वो आ गए मार्केट में और यहां पर इन्होंने खरीद लिए, लास्ट सेलिंग जो होती है वो हो गई, यहां पर मार्केट में बेच दिया, बेच के खत्म हुआ सामान। अब जो है दूसरे दिन जो है ये बुल शेयर्स कैंडल बनता है और कितने हाई पे खुलता है, देखिए इसकी क्लोज और इसकी हाई देखिए, इसकी क्लोज और इसकी लो देखिए, ओपन देखिए, बहुत अच्छा गैप है। और दूसरा इस बुलिश कैंडल की हाइट देखिए कितनी ऊपर बंद हुई है। तो ये पहले जैसे हमने डिस्कस किया कि जितना ऊपर खुलता है और जितना ऊपर बंद होता है उतना ही स्ट्रांग इंडिकेशन होता है, और ये स्ट्रांग इंडिकेशन हमें मिला एक ब्लो ऑफ या क्लाइमेक्स डे के साथ, जब ये ब्लैक कैंडल पे एक हाई वॉल्यूम हो गई। देखिए ये हाई वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने के वॉल्यूम से भी ज्यादा इस दिन ट्रेडिंग हुई है इस स्टॉक में। हाई वॉल्यूम डे होता है, क्लाइमेक्स सेलिंग डे जिसे बोलते हैं, वो हुआ, उसके बाद एक अच्छी ओपनिंग मिली बुल कैंडल को और एक अच्छी क्लोजिंग भी मिली, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बन जाता है। तो हम या तो ब्रेकआउट एंट्री पे बाय करेंगे आधा और वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, या हम वेट कर सकते हैं रिट्रेसमेंट का, तो दोनों तरह की ट्रेडिंग आप कर सकते हैं जैसे आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सूट करता है। दूसरा एनहांसमेंट, द फॉर्मेशन ऑफ अ बुल शेयर्स इन ओवरसोल्ड कंडीशंस हैव बेटर बुलिश इंप्लिकेशंस। इसका मतलब देखिए वही स्टिक की वही मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, हाई वॉल्यूम तो हमें मिला ही था उस दिन, और साथ में आप यहां देखो ओवरसोल्ड कंडीशंस भी थी, मतलब इंडिकेटर्स जो थे ओवरसोल्ड कंडीशन में भी थे, इसका मतलब सेलिंग जो है वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि हमें वॉल्यूम्स और इंडिकेटर्स दोनों यही बता रहे हैं कि सेलिंग जो है ऑलमोस्ट पूरी हो रही है, क्योंकि ओवरसोल्ड इलाका में हमें आया है ये और वॉल्यूम्स भी हाई है, और सेकंड ये जो कैंडल बना है ये कैंडल भी स्ट्रांग है क्योंकि इसकी क्लोज और इसकी ओपन के बीच में बड़ा गैप है, और ये जो मूवमेंट है ये भी काफी अच्छा और बड़ा मूवमेंट आया है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्ट्रांग कैंडल है एनहेंसमेंट के साथ यूज करे तो हमें सिग्नल जो है और भी कंफर्म्ड और भी स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलते हैं और भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलते हैं। और तीसरा देखिए यहां पर ये जो वॉल्यूम्स भी है, पहले वॉल्यूम्स और ओवरसोल्ड कंडीशंस, और उसके साथ साथ हमें मिल रहा है डाइवर्जेंस, तो बुलिश डाइवर्जेंस भी मिल रहा है। स्टोकेस्टिक में बुलिश डाइवर्जेंस मिल गई, ओवरसोल्ड कंडीशंस मिल गई, वॉल्यूम्स मिल गई, पीक वॉल्यूम्स मिल गई,
और इसके साथ एक बुल शैश कैंडल जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये भी मिल गया। तो ये सब इंडिकेशंस हमें मिल जाती है, तो काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस होती है जो हमें बताती है कि यहां पर हो सकता है शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया हो और मार्केट जो है यहां से रिकवर करना शुरू कर जाएगा और ऊपर की तरफ जाना शुरू कर जाएगा। दोस्तों, ये था हमारा बुल शैश कैंडल। बुल शैश कैंडल एक रेयर पैटर्न होता है और जनरली आप इसके बारे में कम सुनते हैं और कम डिस्कस होता है, क्योंकि लोगों को इस कैंडल पैटर्न के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता होता है। लेकिन अब आपको बुल शैश पैटर्न के बारे में पता चल गया, और जब भी आप चार्ट्स पे देखोगे इसे एनहेंसमेंट के साथ यूज करोगे तो आपको काफी फायदा होगा। तो जरूर से बुल शैश पैटर्न अगर आपको चार्ट से मिले तो उसको जरूर ट्रेड करिए, जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से ट्रेड करिए, आपको फायदा जरूर होगा। तो दोस्तों, ये हमारा बुल शैश पैटर्न यहाँ खत्म होता है, और अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज अपने कमेंट्स हमें जरूर दीजिए। व्हाट्सएप पे हमें अपने कमेंट बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, हमें फेसबुक पे कमेंट दीजिए, ट्विटर पे कमेंट दीजिए, लिंक्डइन पे कमेंट दीजिए। डिटेल्स जो हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है सब यहाँ फ्लैश कर रही है, अपने कमेंट हमें जरूर दे, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हम अपने इस सीरीज में और क्या क्या बता सकते हैं आपको, और क्या क्या चीज पे क्लास ले सकते हैं, और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, नेक्स्ट सीरीज पे नेक्स्ट सेशन में हम अपने आपके लिए लाएंगे एक और कैंडल पैटर्न, जानेंगे उसे डिटेल में और देखेंगे कि वो कैंडल पैटर्न को हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। जब तक कीप अर्निंग एंड कीप लर्निंग, लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट। दिस इज भरत झुंझुनवाला साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे।